सभी को मेरा जो हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। जो भी लड़के हैं और लड़कियां हैं आर्मी में, जो सेना भर्ती में शामिल होना चाहती हैं और जो आर्मी में अपना फॉर्म भर रहे हैं, सभी दोस्त कंप्लीट इस वीडियो को देख लें, जिससे जो आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँ। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं जो आर्मी को लेकर चेंज हुआ है, वो आपको इस वीडियो में बता दूंगा। दूसरी चीज़, और भी फॉर्म भरने वाले सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब दोस्तों को। तो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखना, उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी अपने जो लड़कियां हैं, जो अपने बहनें हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना होगा, जिससे हर डाउट उनका क्लियर हो सकेगा और वो एक अपने देश सेवा कर सकेगी, सेना में भर्ती हो सकेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड करना। और हाँ यार दोस्त, जो बहुत से बंदे हैं जो अभी सेना भर्ती के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, जुनून के साथ में तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने गांव वाले हो या कुछ और रिलेशन वाले हो या कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा, तो आपको आधा फौजी बनना पड़ेगा, है ना। वर्दी तो आपको तब मिलेगी जब आप जो कंप्लीट हो जाओगे, पूरे के लाइक हो जाओगे उस लाइक पर, जो आपको आधा फौजी जरूर बनना होगा। जैसे जो आपकी कैप होनी चाहिए, दूसरी जो वॉच होनी चाहिए, आपका शर्ट टी शर्ट होनी चाहिए, जिससे आपको ऐसा लगे, ऐसा जो आपका मोटिवेट बने रहे हैं, जो आपको अंदर एक ऐसा जज्बा बना रहा है कि हाँ मैं फौजी हूँ, फौजी के लायक हूँ। जैसे जो कैप रहेगी तो आप जो एन टाइम यूज़ उसके लिए प्रति, उसके लिए आप जुनून से तैयारी कर पाओगे, दिल से मेहनत कर पाओगे। दूसरी चीज़, जब भी आपकी वॉच आर्मी की रहेगी तो आपको और भी मोटिव रहेगा, ठीक है। और शूज भी है जो आर्मी वाले या कुछ और भी रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रनिंग वाले जो स्पेशली शूज है मैंने आपको बता रखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी सभी की मैंने, जो आप सभी देख सकते हो, जो स्पेशली जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सभी भाई देख सकते हो, जो मैंने आपको लिंक के सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके एक बार चेकआउट करो, उसको देखो। और जो बंदे चाहना है उस बाय करना चाहते हैं तो बाय कर दो, जिससे आपका मोटिवेट बना रहे हैं, एक अंदर एक दृढ़ बना रहेगा, मजबूत रहेगा, तो ये शायद जो आप आर्मी में आराम से भर्ती हो सकोगे और लोग जो कहेंगे उनसे आप ज़्यादा बच पाओगे। तो वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो को, और जो बंदे स्पेशली बाय करना चाहते हैं तो एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी मैंने। सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज वीडियो बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सिलेक्शन हुआ है एक का, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जिससे आप मोटिवेट बने रहोगे। दूसरा, जो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आपको समझना होगा, जब आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो पाओगे, लड़के और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आ जाती है, तो इस वीडियो को देखना होगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ जो नोटिफिकेशन आ रखा है। पहले आपको मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसराइल है, जो आपके इसराइल है, इसमें जो गुजरात की 20 वर्ष की जो बेटी है, वो जो निस्ता, इसमें जो शामिल हुई है, सेना में भर्ती हुई है, सेना में आर्मी में भर्ती हो चुकी है। ये चीज़ें जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कि ये चीज़ जब आप मोटिवेट बने रहोगे तभी ये सेना में भर्ती हो पाओगे। जो लड़कियाँ हैं और जो स्पेशली ध्यान दें कि जो आपके इसमें ये भी 20 साल से ज़्यादा की नहीं है, 20 साल की जो 12वीं पास आउट लड़की हैं वो भी इसमें सेना में भर्ती हुई हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक है जो चीज़ है। आप देख सकते हो ये कि जो खबर है, जो एक चीज़ अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उन्होंने डाली है, और ये चीज़ एकदम करेक्ट है। तो ये जो लड़की 20 साल की है, और जो भी अपने भाई देख रहे हैं, अपनी बहनों को इसके लिए प्रोत्साहित करें, इसमें भर्ती होने के लिए कहें, जिससे आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो जब आप भी है जो उनको मोटिव नहीं करोगे, आप भी डिमोटिवेट ही करोगे या सेना भर्ती में उनको जो वंचित करोगे, उनसे जो बढ़ने के लिए यार इस तरह प्रोत्साहित नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा, तब आपका विश्वास टूट जाएगा, तो यार वो भी सेना भर्ती में नहीं हो पाएगी और कहीं कहीं वो इस चीज़ अपने सपनों को भुला देगी। तो इसी चीज़ बोल रहा हूँ कि जो बंदे स्पेशली मेरे भाई हैं, वो सभी अपने जो बहनें हैं उन सभी को बोले हैं कि इसमें फॉर्म भरें जो आर की इस वैकेंसी के बारे में। अब जो चेंजेस हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये जो भी हिंदुस्तान जो लाइव है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे एक जानकारी बता रखी है, 17 तारीख के जो न्यूज़ है और ये 6 बजे के आसपास इन्होंने पोस्ट डाली है, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस जो लड़कियाँ जो भर्ती होने वाली हैं उन सभी की योग्यता में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। योग्यता नेम क्या चेंजेस हुआ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ चेंजेज हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। इसमें जो पहले जो लड़कियाँ थी वो GD में आवेदन करने के लिए जो इसमें कर सकती थी, जो नेपाल और भारत दोनों के जो गोरखा समुदाय की महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, वो इसमें आवेदन कर पाती थी, लेकिन अब है जो लड़कियां हैं जो केवल भारत की गोरखा वाले ही जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, नेपाल वाले इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हो आप, इसमें जो पूरी इसकी जानकारी दे रही है और ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, ये चीज़ जानना ज़रूरी थी आपके लिए बता दिया मैंने। दूसरी चीज़, इसमें जो आवेदन करने के लिए आपको जो 6 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लास्ट 20 जुलाई तक आपको फॉर्म भरे जाएंगे, तो जो भी अपने बहने भाई हैं उन सभी को बोलें कि आप इसमें फॉर्म भरें, और जो लड़के हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी आ रखी है, वो भी आपको बता दूंगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें जो जानकारी बता रखी है पूरी कि अब 100 वैकेंसी रहेगी, इसमें जो 6 जून से फॉर्म स्टार्ट हैं और इसमें जो अलग अलग शहरों में इसके होने वाले हैं, शामिल होंगे, जो रैलियाँ होंगी वो चीज़ होगी, वो अंबाला होगा, लखनऊ होगा, जबलपुर होगा, बेंगलोर बेलगाम होगा, उसके बाद में पूना, शिलांग,
ये चीज़ इनमें होने वाला है, ठीक है। तो आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म जरूर भर दें, और जो भी अपने बहनें हैं और जो भी अपने भाई देख रहे हैं उनको बोलें कि आप फॉर्म भरें, क्योंकि जो सिलेक्शन हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन फॉर्म भरना और जो एक बात ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करोगे आप, उसमें जो जाने के लिए जो एडवाइस नहीं दोगे, तब तक वो क्या करेगी। तो आपको करना होगा, ये कदम उठाना होगा, तभी है जो ये शायद कोई ना कोई जो अपने जो बहने हैं वो आर्मी में भर्ती हो पाएगी। उनका भी एक सपना होता है, जुनून होता है यार, वो सब चीज़ आपको समझाना होगा उनको, तभी ये जो शायद आर्मी में भर्ती हो पाएगी। इसमें जो ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, नॉर्मल 10 पास बंदे हैं वो भी शामिल हो सकेंगे। जो बंदे जो लड़कियाँ देख रही हैं उनको बताना चाहूँगा, आपके 45% मैक्सिमम मांगे जाते हैं, और जो 33% में जो अनिवार्य होते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो काउंटिंग की जाएगी, वो आपके जो 1 अक्टूबर 2000 से काउंट की जाएगी और 1 अप्रैल 2004 तक मांगी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। और इसके बाद में जो आयु तो आप जानते हैं कि जीडी में 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, ये चीज़ आप बेसिक समझ चुके होंगे। अब जो स्पेशली जो लड़के हैं उनके लिए भी बता देता हूँ एक चीज़ जो आ रखी है। अपने जो भी दोस्त हैं जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो उनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो आराम से इसमें से भर्ती हो सकेंगे, इसमें शामिल हो सकेंगे। मैंने ये कल भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ। इसमें जो आर की वैकेंसी जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो आपके इसमें एनसीसी वाले जो बंदे हैं इसमें शॉर्ट जो कमिश्नर हैं, शॉर्ट सर्विस कमिश्नर के नाम से जो इसमें आवेदन हो रहे हैं, तो आप इसमें शामिल हो सकते हो। अपने देश सेवा के लिए जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, यानी जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, कल की है, और जो आपके लिए बहुत जाना ज़रूरी है ये चीज़। इसमें आवेदन का कोई झंझट ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल बेसिक चीज़ बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके 16 जून से आपके इसमें फॉर्म स्टार्ट होंगे, और आपके 15 जुलाई तक जो बंदे स्पेशली हैं इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ में योग्यता में क्या है तो आपको बता देता हूँ। नॉर्मल बेसिक के जो बंदे जो एनसीसी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट है, एक बात ध्यान रखिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, और यूनिवर्सिटी यानी किसी भी जो बोर्ड से प्राप्त आपकी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 50% मैक्सिमम उसमें होने हैं, और 3 साल के अंदर आपकी जो ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जिनके पास में ये योग्यता है तो अपना फॉर्म भर दें। सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक, और जो भी अपने भाई देख रहे हैं उन जो भी अपनी बहनें हैं उन सभी को मोटिव करें कि जो आप आर्मी में फॉर्म भरें, क्योंकि भी वैकेंसी आर की और जो बहुत कम वैकेंसी आती है, साल में कहीं आती है, 6 महीने में कहीं आती है, तो ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आप फॉर्म भर दो। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि आपका सिलेक्शन इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपका बिना एग्ज़ाम के ही भर्ती होंगे आप। इसमें जो मेरिट बनेगी मेरिट के आधार पर ही आपको बताया जाएगा रेल में कब आना है, क्या चीज़ आना है, ये चीज़ आज आपको ये चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। इसमें बिना एग्ज़ाम के भर्ती हो रही है, तो आप सभी बहनों को भी कहना चाहूँगा और जो बंदे देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा, आप ज़रूर इसके लिए फॉर्म भरें, और जो बंदे स्पेशली देख रहे हैं अपनी बहनों को भी मोटिव करें इसके लिए कि आप फॉर्म भरें, ठीक है। सभी को मेरा चाहिए और बेस्ट ऑफ लक, ये चीज़ आ रखी थी, इन्फॉर्म कर दिया मैंने। सभी अपनी तैयारी पर ध्यान दें, जरूरी है, और जो तैयारी अपनी कंटिन्यू कैसे सेनावर्ती है, सभी की आना स्टार्ट हो गई है और सभी आ रही है, तो जल्दी जल्दी कुछ और भी सेनावर्ती आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में जो भी आपकी दिक्कत है वो जरूर मैसेज करना, जिसे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सभी को मेरे जो हैं दोबारा वंदे मातरम।